नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। गुरुवार की अपडेट खबरें हम आपको बताएंगे। कोरोना का जो जांच हुआ दरभंगा जिला का, उसमें 205 जांच निगेटिव आया था, 11 का रिपोर्ट पेंडिंग था। और इस तरह से विधिवत खबर नहीं आई है, लेकिन सभी निगेटिव होने की सूचना है। और यह दरभंगा के लिहाज से एक अच्छी खबर, एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं है दरभंगा में, ये अच्छी खबर। लॉकडाउन में कई तरह की ढील दिए जाने की सूचना आई है, हालांकि राज्य सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया है। समझा जाता है कि मोबाइल रिचार्ज और बुजुर्गों की जो समस्या है, बुजुर्गों का जो निदान है, कई तरह का अस्पताल जाना आना इत्यादि, उस संदर्भ में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुछ विद्यार्थियों के लिए किताबें की दुकान भी खुल सकती है, हालांकि राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेना है। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर लाने की तैयारी, लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा पॉज सिस्टम जिससे बचा जा सकता है। जान है तो जहान है, जिंदगी बचाने की जंग में आप हमेशा घर में रहिए, विशेष जरूरत पड़ने पर ही निकलिए, 1 मीटर की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, उन 10% या 5% विलेन की कतार में मत खड़े होइए, जो अब इतिहास लिखाएगा तो आप एक कोरोना योद्धा के रूप में होंगे और यही आपकी सफलता होगी। जी हाँ, एक ऐसा मौका जिसमें आपको बॉर्डर पर जाके युद्ध नहीं लड़ना है। जब 62 की भारत चीन की लड़ाई थी तो एक शाम भूखे रहकर लोगों ने उसमें योगदान दिया था। आज भी बूढ़े बुजुर्ग उसकी चर्चा करते हैं कि किस तरह हमने देश की सेवा में अहम योगदान दिया था भूखे रहकर। आज एक मौका है जिसमें हर किसी को मौका है कोरोना योद्धा बनना, वो बन सकता है, बशर्ते कि वह सिर्फ आवश्यक कामों पर बाहर निकले, बूढ़े और बच्चों की हिफाजत करे, उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करे, घर में रहे, अपने परिवार को देखे, पड़ोसियों को देखे, किसी घर में चूल्हा न जले तो उसकी चिंता करे। सरकार से लेकर स्वयं से भी सहायता में लगे लोग जो लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, उन तक आवाज पहुंचाए। सरकारी सिस्टम जो चीज पहुंचा रहा है उसे लाने में सहयोग करें, ये आपकी मदद हो सकती है और आप एक खास बन सकते हैं। जी हाँ, बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, इस तरह का जो जमावड़ा आप देख रहे हैं वैसा न लगाएं, ये अच्छा सीन नहीं है। ये अच्छा सीन है जहां सड़कें सुनसान दिख रही है। जी हाँ, घर में रहकर कोरोना से जंग लड़ा जा सकता है। पूरी दुनिया तबाह है इस वायरस से, जिसने हिला कर रख दिया है। एक वायरस ने पूरी दुनिया को, 102 वर्ष के बाद स्पेनिश फ्लू जब आया था उस समय 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी पूरी दुनिया में, 1.5 करोड़ लोग सिर्फ भारत में मारे गए थे। आप समझ सकते हैं उस समय भारत की आबादी 25 करोड़ थी। जी हाँ, 1918 में भारत की आबादी 25 करोड़ थी, 102 वर्ष पहले, जिसमें 1.5 करोड़ लोग भारत में मारे गए थे। शिरडी साईं बाबा का इतिहास उसी समय जब स्पेनिश फ्लू आया था और उन्होंने कई लोगों की जान बचाकर अंततः वह उन्होंने प्राण त्यागा था, देह त्यागा था। 102 वर्ष पहले जब सितंबर से लेकर जुलाई में संक्रमण फैला, विश्व युद्ध के बाद सैनिक के मध्य जहाज से वह स्पेनिश फ्लू आया, उस समय न सोशल मीडिया रहा होगा, न इस तरह की टेक्नोलॉजी रही होगी, न आप घर में बैठकर पूरे दरभंगा, भारत और विश्व को देख सकते होंगे। अपने पूर्वजों को याद कीजिए कि किस तरह से उन्होंने अपने इंसान की जीवन को बचा कर रखा, जिसके भविष्य हम और आप आज हैं। आज एक फिर चुनौती, शताब्दी बाद, 102 वर्ष बाद चुनौती ये कि इंसान को बचाना है, इस धरती से अगर इंसान को रखना है तो हमें इस लॉकडाउन में पिकनिक नहीं मनाना होगा, जीवन के संघर्ष के दिन को बिताकर किस तरह इसे बिताना होगा, ताकि हम भी बचे रहें, परिवार भी बचे, समाज भी बचे, इंसान भी बचे। जिंदगी की इस जंग में सूनी सड़कों पर
आप सब्जी बाजार, मछली बाजार, बैंकों की लाइन, राशन दुकान की लाइन में भीड़ लगाकर अटखेलियां न करें, हंसी न मचाएं, गंभीर बने, ये देखें कि आपके पास भले ही पॉकेट में पैसे हो, कितने परिवार हैं जो सिसक रहे हैं, उनकी सिसक दूर करने में आप एक सेतु बने, तभी आप एक योद्धा बन सकते हैं, कोरोना कर्मवीर बन सकते हैं, आप अपना योगदान दे सकते हैं। जी हाँ, कोरोना कर्मवीर बनने का एक मौका, योद्धा बनने का एक मौका। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे मीडिया कर्मी, या हम एक दूसरे की सहायता, आवश्यक सामान पहुंचा रहे हैं, ये सारे लोग खास हैं, विशेष खास, रियल हीरो ऑफ इंडिया ये, और आप बन सकते हैं। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं जीतना है, आपको मन, आत्मविश्वास जीतना है, मन को मजबूत करना है। एक व्यक्ति की भी आप सहायता करते हैं तो आप उसके लिए हीरो हैं। आपको दूर जाकर नहीं, अपने आसपास आज एक मौका है कि आप सहायता करें। कोरोना संक्रमण का जो नियम है उसे बचते हुए, सरकार के नियम का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, कई लोग ऐसे हैं जो सारे नियम का पालन कर एक दूसरे को मदद पहुंचा रहे हैं। आप ही हैं कोरोना कर्मवीर। दिखावा न हो, हकीकत हो, तभी हम जीत सकते हैं कोरोना से ये जंग। कोरोना कर्मवीर और योद्धा बनने का आपको बहुत सारा मौका है। स्वास्थ्य कर्मी हो, ये पुलिस कर्मी, ये हमारे कोरोना कर्मवीर हैं। और ड्रोन कैमरे से निगरानी, आप घर में रहें, मनसा आपको दंड नहीं देने का, मनसा आपको बचाने का, आपके जीवन से प्रेम का। और कोरोना कर्मवीर आप ऐसे भी बन सकते हैं। हमारे दो कोरोना कर्मवीर जिनके पास ड्रोन कैमरा है, अशोक यादव और अब्दुल हादी, इन्होंने बिना अपना खर्च लिए, सिर्फ जो व्यय है बैटरी इत्यादि पर, उस दर पर दरभंगा नगर निगम को कैमरा सौंपा है। और आप ऐसे भी सहभागिता अपनी दे सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं इस युद्ध में, कोरोना के विरुद्ध युद्ध में। और यही तरीका है, किसी दूसरे को सहायता पहुंचाकर इस युद्ध में सहभागी बनकर आप बन सकते हैं कोरोना कर्मवीर। और इस तरह से सभी के योगदान से बनता है मजबूत भारत। जगह जगह पैनी निगाह, हर जगह, जमीन से लेकर आसमान तक, देखे कि किस तरह जहां भीड़ थी वहां पुलिस दौड़ी और खदेड़ा, कईयों को दबोचा। अब ड्रोन से निगरानी, यह लगातार अभियान चलेगा शहरी क्षेत्र में। जी हां, बहादुरपुर, लहरियासराय थाना, बेता थाना, नगर थाना, विश्वविद्यालय, सदर, मब्बी, ओपी इत्यादि में, जो दरभंगा शहरी एरिया है, वहां लगातार अभियान चलेगा। और जहां भीड़ दिखेगी ऊपर से, वहां पुलिस पकड़ेगी आपको, पुलिस खदेड़ेगी। और इस तरह से ड्रोन कैमरे से निगरानी करती हुई पुलिस जमीन से लेकर आसमान तक की लड़ाई में दरभंगा नगर निगम के सहयोग से महापौर बैजंती देवी खेड़िया, सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने इस अच्छे कार्य की शुरुआत की। ऊपर से तस्वीर ली कि कहां कौन बैठकर ताश खेल रहा है, कौन बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कौन किस गली में जमावड़ा लगाया हुआ है। और उसके बाद पुलिस को भेजा गया, एक या दो तो पकड़े गए लेकिन कई भाग गए। लेकिन पुलिस ने अब तय किया है कि एक तरफ नीचे से सड़क के किनारे तो पेट्रोलिंग होगी ही, ड्रोन के सहारे पता करके कि कौन से इलाके में कौन लोग जमावड़ा लिए बैठे हैं, वहां चारों तरफ से घेर कर पकड़े जाएंगे लोग, ऐसे विलेन लोग जो कोरोना की इस लड़ाई में सहभागी हैं कोरोना के तरफ, उनको पकड़ा जाएगा, खदेड़ा जाएगा ड्रोन के सहारे। दरभंगा पुलिस, दरभंगा नगर निगम का यह संयुक्त प्रयास। जिंदगी हर कदम इतनी नहीं जंग है।
थाना को एक दरभंगा थाना को और ये जो कोरोना वायरस बीमारी जो फैल रही है इसमें लॉकडाउन जो किया गया है इसका लोग पालन पूरी तरह नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको दिया गया है कि प्रशासन और जिलाधिकारी और जितने हमारे नगर निगम पदाधिकारी कर्मचारी सारे तत्पर पूरे हैं, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए लॉकडाउन का पालन उतना नहीं हो पाया। लोग जगह जगह भीड़ इकट्ठे कर लेते हैं, इसके द्वारा उन लोग को पकड़ा जाएगा और उनको थोड़ा सा बताया जाएगा कि आप लॉकडाउन का प्रयोग करें और अपने घरों में रहें। बीमारी जो बहुत खतरनाक बीमारी है, आप तत्पर रहें, अपने घर में रहें, इस्तेमाल करें लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, या जहां कहीं भी भीड़ के क्लस्टर इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे ड्रोन से निगरानी करें और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से चिन्हित करें, उनकी फोटो लें, उनकी वीडियो लें। और हमारे पास जो CIT और हमारी दंगा की टीम है वो भी लगातार आप देख रहे होंगे कि शहर में भ्रमणशील है, जहाँ कहीं भी हम लोग को लगता है कि भीड़ है या लोग लॉकडाउन कर रहे हैं तो ये टीम वहाँ जाती है, लोगों को समझाती भी है कि इस लॉकडाउन का पूरा पालन करिए, तभी हमारा जो जिला है और आप लोग का परिवार सुरक्षित रहेगा। तो वैसे तो हम लोग के जो जितने भी कांस्टेबल से लेकर वरीय अधिकारी सभी लोग लगातार फील्ड में हैं, लेकिन ड्रोन के आने से एक फ़ायदा यह है कि हमें एक प्रकार का फोर्थ मल्टीप्लायर मिल गया है। हम बहुत ही कम समय में एक बहुत ही बड़ा एरिया, स्पेशली जहाँ पे कि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, जो छोटे छोटे गली मोहल्ले हैं जहाँ पे वो नहीं जा सकती है, वहाँ पे भी ये ड्रोन निगरानी रख सकता है और इसमें जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ़ हमारे पास सबूत भी होगा, तो हमें उन्हें प्रोसिक्यूट करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ नगर निगम का और हमारे सहयोगियों का जिन्होंने मदद की है, और आने वाले दिनों में हम लोग इसका काफ़ी अच्छे से उपयोग करेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। और चापाकल मरम्मती दल, चूंकि गर्मी है और पानी की भी किल्लत होगी, चापाकल मरम्मती दल को जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जी हाँ, ये एक दल है जहाँ चापाकल खराब है वहाँ जाकर उसे सार्वजनिक चापाकल को ठीक करना है। हर इस जंग में अकेले सिर्फ कोरोना से तो जंग है ही, लेकिन जीवन की आवश्यकता का भी जंग, और इससे चाहे वह भूख हो या आवश्यक सामान जीने के लिए, उससे जूझते रहना है, उससे लड़ते रहना है, अड़ करके जिंदगी की इस बाजी को जीतना है। यह दल, ये आवश्यक सेवा, ये है हमारे कोरोना कर्मवीर। इन्हें आप आम मत समझिए, आज की तिथि में यही खास हैं, यही रियल हीरो हैं हमारे ये मजदूर जो कोरोना कर्मवीर हैं, जो चल दिए वहाँ कि किस तरह से हमारे लोगों की प्यास बुझाई जाएगी, अपनी सुरक्षा रखते हुए दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे कोरोना कर्मवीर चापाकल मरम्मती दल। PhD दरभंगा अंतर्गत जो खराब चापाकल है जिनकी मरम्मती की जा सकती है, तो विभिन्न प्रखंडों के लिए चापाकलों की मरम्मती दल को हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है, तो जैसे ही सूचना मिलती है या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय विधायक
विधान पार्षद जिला मुखियागण है या आम जनता है, जहाँ से सूचना मिलती है वो जिला नियंत्रण करके उसकी सूचना रखते हैं और ये जो चापाकल का मरम्मती दल है उसके माध्यम से हम लोग उसको चापाकल। अच्छा, ये शहर में जो इस तरह की अगर दिक्कतें आती हैं तो फिर शहर की वर्तमान में शहर कहीं भी शहर हो या ग्रामीण, जहाँ कहीं भी चापाकल मरम्मती की शिकायतें आएंगी हम लोग वहाँ चापाकल मरम्मती दल भेज के। 18 प्रखंड का जो जल स्तर का नापी किया गया है, अभी कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन आने वाले गर्मी का सीजन में जून महीने के लिए तैयारियां की गई हैं। 18 गाड़ियां का रवाना की जा रही है, जहां पर भी चापाकल का मरम्मती का आवश्यकता है वहां जाकर के दल चापाकल मरम्मती करेगी। पिछले साल हम लोग जल संकट से बहुत दिक्कत में थे, इस साल पहले से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रकार का स्थिति उत्पन्न नहीं हो, और अभी भी हम लोग कई जनप्रतिनिधि से संपर्क करके मरम्मत योग्य चापाकल लोगों का सूची बनाए हैं। कुछ दिन पहले सर्वेक्षण भी हुआ है बड़े पैमाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से, तो हमारे पास अभी तत्काल जो मरम्मत योग्य चापाकलों का सूची लगभग है। इसके अलावा भी PhD इंजीनियर आप लोगों को बताएंगे कंट्रोल रूम नंबर और JEE का नंबर आप लोगों को दे देंगे। तो मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आम जनता को कोई भी समस्या हो, अगर आने वाले दिनों में कोई चापाकल सूख रहा है तो ज़रूर जो है आप लोग संबंधित कंट्रोल नंबर में संपर्क करें और सूचना दें, तुरंत इन गाड़ियों के माध्यम से उसका मरम्मती की जाएगी। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से परेशानी में घिरे बिहार के युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य में 33,916 शिक्षकों की बहाली करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं कैबिनेट ने राशन कार्ड धारियों को लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी जा रही 1,000 रुपए की मदद पर मुहर लगाई है। साथ ही राशन कार्ड के रद्द आवेदनों की फिर जांच कर लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का मामला, रफीगंज में पेयजल निश्चय योजना के तहत 38.63 करोड़ रुपए की मंजूरी, अटल नवीकरण व शहरी मिशन के लिए 130 करोड़ रुपए, सारण में बली टोला से संबलपुर पछियारी टोला तक कटाव निरोधक कार्य के लिए 45 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, खगड़िया और कटिहार में वज्रपात व आंधी पानी के कारण 6 लोगों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर भ्रांति और अफवाह फैलाने वाले लोगों से सावधान रहें। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से करेंगे तो हम सब इस बीमारी से निपटने में सफल होंगे। सरकार इस पर नजर रख रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभुकों के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत राज्य के 84.76 लाख वृद्ध
विधवा व दिव्यांग पेंशनधारियों को 3 महीने की मार्च, अप्रैल और मई की अग्रिम पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि लाभुकों को अप्रैल मई की अग्रिम पेंशन राशि के तौर पर 721.3 करोड़ का भुगतान किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार से बाहर फंसे लोगों को मुख्यमंत्री विशेष सहायता राशि देने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 12,06,000 लोगों को 1,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। अभी तक टोटल 17,89,000 इतने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत करा लिया है और जो ट्रांसफर जिनको राशि हो चुकी है जितने लोगों को, वो लोग 12,06,000 हैं। तो अभी तक 12,06,000 को उनके अकाउंट में इस राशि का ट्रांसफर 1,000 रुपये का कर दिया गया है और टोटल 17,89,000 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है। जो बिहार फाउंडेशन के माध्यम से राहत कैंप चलाए जा रहे हैं 9 राज्यों में 12 शहरों में, उनकी कैंप्स की संख्या 55 है और उनमें अभी तक क्यूमुलेटिव रूप से कुल 9,48,755 नहीं लगभग 9.5 लाख लोगों ने उसका लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार से बाहर रह रहे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। मुंबई में बिहार फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच फूड पैकेट बांटा जा रहा है। वहीं वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कोविड 19 की बंदी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई जनवितरण दुकान की व्यवस्था का जायजा पटना के जिला पदाधिकारी कुमार रवि ने लिया। इस दौरान उन्होंने उचित मूल्य लेने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र के निर्धन निराश्रित वर्गों के लिए विभिन्न स्थानों पर आवासन एवं सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। वैशाली पीएससी सहदेई बुजुर्ग द्वारा कोरोना वायरस के बारे में डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। इस कार्य में आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं का विशेष योगदान है। दरभंगा जिले में 8,16,352 लाभार्थी राशन कार्ड धारियों में से 4,16,232 लाभार्थियों के बीच अप्रैल का समूल्य नियमित खाद्यान्न सहित 1 माह का अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न का वितरण कार्य पूरा हो गया है। इसमें अंत्योदय योजना के 52,251 लाभार्थी और PHH परिवार के 3,63,981 हैं। नालंदा जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ बैठक की तथा कोर बफर एवं आउटर जोन में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि कोर जोन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से आवश्यक सामग्री की आपूर्ति कराई जाएगी। शेखपुरा में PDS दुकानदारों के खिलाफ जिलाधिकारी श्रीमती इनायत खान सख्त हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो भी PDS दुकानदार अनियमितता करेंगे उन पर तत्काल लाइसेंस रद्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सीतामढ़ी DM अभिलाषा कुमारी शर्मा एवं SP अनिल कुमार ने किरण चौक, मेहसौल चौक, जानकी स्थान, शंकर चौक आदि स्थानों पर पहुंचकर दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे लोगों को इसके खतरनाक परिणाम की जानकारी दी और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने पटना नगर निगम के महापौर सीता साहू, नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा, निगम के पदाधिकारियों, अभियंताओं, दानापुर, फुलवारी शरीफ एवं खगौल नगर निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान नाला उड़ाही कार्यों की समीक्षा की गई एवं कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि बाढ़ पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां अभी से मुकम्मल कर ली जाएं। और कोरोना कर्मवीर बनने का आपको कई मौका हमने आपको बताया। डॉक्टर मनोज कुमार यूरोलॉजिस्ट अलल पट्टी यूरो ऑर्थो सेंटर, पहले सब्जी बाजार में सैनिटाइजर, मास्क और ग्लोव्स का वितरण और हमारे कोरोना कर्मवीर पुलिस कर्मियों के बीच भी यह वितरण पुलिस लाइन में। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, CTSP योगेंद्र कुमार के साथ पूरे डिसिप्लिन और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उन्होंने यह सैनिटाइजर और मास्क वितरण किया गुरुवार को दिन में। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं डॉक्टर मनोज कुमार, इनके द्वारा और एक NGO के द्वारा पुलिस कर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया है।
तो हमारे जो पुलिसकर्मी डेली रोड पे रहते हैं वाहन चेकिंग के लिए या फिर दूसरी ड्यूटी के लिए, उनको ये मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिए गए हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। आज डॉक्टर साहब के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे पुलिस लाइन के जवानों के लिए मास्क का, सैनिटाइजर का, ग्लव्स का वितरण किया गया है। आप सभी जानते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स और पुलिस के जवान फ्रंट लाइन वर्कर की तरह इस लड़ाई में शामिल हैं। रिसोर्सेज की सभी को बहुत ज़रूरत है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब उनकी टीम का, उन्होंने ये जो इतनी चीज़ें बटवाई हैं। और हमने भी सभी को सेंसिटाइज किया है कि हर पुलिस जवान अपने परिवार वालों को भी ये समझाए कि जो भी मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर, उनका पूरा प्रयोग करें। आप सुरक्षित रहेंगे तो जिला सुरक्षित रहेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। एसएसपी साहब और सीटीएसपी साहब को हम लोग फ़ोन किए कि ऐसे हम लोग पर दो दिन से सब्जी मार्केट में सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स बांट रहे हैं, तो इन लोग को अच्छी लगी। तो एसएसपी साहब बोले कि जितने पुलिस लाइन में, चूँकि डॉक्टर और पुलिस अभी फर्स्ट वेरियर है आपका कोरोना का, अगर ये लोग सेफ रहेंगे, मीडिया, पुलिस एंड डॉक्टर, ये सब सेफ रहेंगे तो पब्लिक ऑटोमेटिक सेफ हो जाएंगे। इसलिए हम लोग फर्स्ट लाइन वैरियर को चाह रहे हैं हर ढंग से उसको प्रोटेक्ट करें, इसलिए मास्क, सैनिटाइजर, ग्लोव सब बांट रहे हैं। पुलिस सारे थाना के पुलिस जितने जवान थे, सारे जवान को हम लोग ने मास्क, सैनिटाइजर सब क्या कुछ दिया गया है, सैनिटाइजर है, मास्क है, हैंड ग्लोव्स है। एसपी साहब के प्रेजेंस में हम लोग बांटे 500 आदमी को हम लोग बांटे। और अगला ये पड़ाव भी जारी रहेगा? हाँ, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जहाँ लैकिंग है वहाँ हम लोग की जरूरत पड़ेगी, हम लोग उसके लिए। और कोरोना गंभीर बनने का मौका हर किसी को, इसी तरह लॉकडाउन में फंसे खानाबदोश परिवार के लिए देवदूत बनकर उभरे दरभंगा व्यवहार न्यायालय के सब जज खुद राहत पैकेट लेकर पहुंच गए, परिवार को भी पहुंचाया मदद, लोगों की सुनी पीड़ा, अधिकारियों को दिया निर्देश। जी हाँ, गुजर खानाबदोश जिंदगी गुजरने वाले परिवार के लिए दरभंगा व्यवहार न्यायालय के सच दीपक कुमार ने राहत सामग्री देकर मदद पहुंचाया। जज साहब परिवार वालों को अपने हाथों से अनाज का राहत पैकेट दिया, साथ ही पीड़ित परिवार के बच्चों को बिस्कुट भी दिया। जज साहब इन परिवारों ने न सिर्फ उनकी पीड़ा सुनी बल्कि उनकी समस्या का निदान भी किया। उन्होंने परिवारों को कोरोना से बचने के टिप्स भी दिए, लोगों से बात करते समय उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। ये दर्जन भर परिवार 50 लोग लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से एक ही जगह फंस गए, जिसे खाने पीने से लेकर रहने की भारी समस्या हो रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से इन खानाबदोश परिवार का वीडियो दीपक कुमार ने देखा, वैसे इन परिवारों को मदद करने की ठान ली और आज दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत बहेड़ी के जुड़िया चौक के निकट इन भूखे परिवारों के बीच राहत सामग्री लेकर पहुंचे जज साहब। तिरपाल नहीं है, झुंगी नहीं है हमारे पास, बारिश गिरता तो भी बस बैठे के बैठे रह जाते हैं। किसी के बच्चा 3 है, कोई के 4 है, कोई के 5 बच्चे हैं सर। इतनी सी झुंगी में कैसे रह पाएंगे, बारिश के बिल्कुल ऊपर से पत्थर भी गिरता है तो बिल्कुल बैठे रहते हैं हम लोग। खाने के लिए भी नहीं है सुबह सर, पानी है, पानी के लिए ज़्यादा दिक्कत पड़ता है, गाँव वाले के लिए दिक्कत पड़ता है सर। पपाई नहीं, हाथ में पाई नहीं है, कपड़ा नहीं है साबुन के लिए। कोई बड़ा बड़ा आदमी 10 बार हाथ धोते हैं, हम एक ही बार हाथ धोते हैं। अरे तो ये कि हमें खाने पीने में दिक्कत हो रही है और हमारी ये झुंगी झोपड़ी देखी जाए, हमारे बच्चे का रात बिरात का मौसम है, कीड़ा है, जानवर है, हर कचीज चलता फिरता है, लाइट में तो व्यवस्था वही है। खाली ये तो गांव वाले ने खाली एक लड्डू टंगाया है, वो व्यवस्था है। गांव वाले का सर खूब चंदा, गांव वाला का जोड़ के खाने पे खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। खाने को सर ऐसा आता कि तन थोड़ा गांव का दे देता था, वो क्या होता है, कोई का 6 आदमी है, कोई का 7 आदमी है, कोई का 8 आदमी, एक जोड़ का खाना खा के डरे रहते। 3 दिन से बराबर पानी गिर रही है सर, ना हमारे झुंगी में ना खाना पका पा रही है, ना कुछ कर पा, परेशानी हमें ज़्यादा हो रही है। देखिए, ये जो हम रिलीफ देने आए हैं, हमको पता चला था कि यहाँ बंजारे लोग हैं और ये सब लोग यूपी और एमपी से हैं, अपने राज्य का कोई नहीं है। और अपने राज्य का नहीं होने के कारण जो है, इनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना ही कोई सरकारी सुविधा मुहैया है। तो हम लोग प्रयास किए हैं कि जो भी इनको थोड़ा बहुत हम लोग जो है मदद कर पाए, वो करने का प्रयास किए हैं। और हमारे साथ हमारा स्थानीय प्रशासन है, हमारे CEO साहब हैं, इन्होंने भी अश्योर किया है कि जो भी इनको वांछित मदद होगी आवश्यकता अनुसार ये करेंगे। स्थिति कैसी लगी सर आपको? स्थिति दयनीय है और हम सब लोगों को ऐसे लोगों के लिए आगे आना चाहिए और आगे आ रहे हैं। न्यायालय भी सड़कों पर है सर? जी बिल्कुल, न्यायालय है तो न्यायालय जो है हर एक व्यक्ति के विपदा, हर एक व्यक्ति के लिए है,
जो भी हों, जिनको भी आवश्यकता है, ज़रूरत है, विधिक हो, चिकित्सा हो या किसी भी प्रकार का ज़रूरत है, उसके लिए हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा जो है हर संभव प्रयास करेगा। और हम पहले भी आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट किए थे कि दरभंगा वासी जिनको भी ज़रूरत है, अगर उनको ये लगता है कि प्रशासन नहीं सुन रहा है, जिला प्रशासन नहीं सुन रहा है, स्वास्थ्य प्रशासन नहीं सुन रहा है और उनको आवश्यकता है, तो वो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार को लिखित रूप से अनुरोध करें और हम उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा वहाँ तक करेंगे, जिस प्रशासन से सहयोग लेना होगा हम लेंगे और उनके लिए करेंगे। वैसे लोगों को सर कुछ कहेंगे जो सामर्थ्य हैं, लेकिन बिल्कुल हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं दरभंगा जिला के हर एक सामर्थ्यवान और सक्षम लोगों से कि इस विपदा की घड़ी में बाहर आएँ, अपनों की परिधि से बाहर आएँ, अपने राज्य की परिधि से बाहर आएँ। इस समय ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि ये हमारे पंचायत के हैं, गाँव के हैं, जिला के हैं, राज्य के हैं, ये देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये देखें कि वाकई उसको ज़रूरत है, वो चाहे जिस राज्य का हो, क्योंकि जो जहाँ का है वही फंसा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जैसे यही MP और UP से हैं, तो हमारा दायित्व इनके प्रति ज़्यादा बनता है, क्योंकि इनके पास कोई सुविधा भला बोल नहीं है, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए आए वो। यथासंभव लोगों के बीच कोरोना से जंग में योगदान, भूख को मात देने के लिए कहीं सही जुबा सहनी शोध एवं सेवा संस्थान, कहीं अन्य संस्थान, कहीं व्यक्तिगत तौर पर, कहीं राजनीतिक तौर पर, लेकिन जिसकी जितनी क्षमता हर कोई कोरोना क्रमवीर बनने के लिए दे रहा योगदान, और यही सच्चे सबसे बड़ा धर्म, मानव धर्म, इंसान को बचाने के लिए जिंदगी की इस जंग में लगातार जूझते हुए हमारे कोरोना क्रमवीर। इस इलाके में जो गरीब होगा, जो मजदूरी करते हैं खाते हैं और उसके बिना परिवार नहीं चलेगा उनका, तो हम लोग सोचे कि यही जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा कुछ हम लोग भी सही करें, जिसमें कच्चा सामान में चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 12/4 से मैंने प्रारंभ किया। Thank you.